हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, स्मार्ट केशव ज्ञान यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप भी अच्छे अच्छे ऑफर्स पाने के लिए अपनी सिम को पोर्ट आउट करवाते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं, पोर्टेबिलिटी यानी MNP करवाते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अब मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP बंद होने वाली है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी बंद क्यों होने वाली है, इसके पीछे का क्या कारण है और ये कब तक बंद होगी। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल मत पूछिएगा। चलिए दोस्तों, बिना आपका समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अच्छे ऑफर, ज्यादा बिल और अनलिमिटेड डाटा के युग में बिना नंबर बदले एक कंपनी से दूसरी कंपनी पर स्विच करना बेहद आसान है, लेकिन अगर ये सुविधा बंद हो जाए तो क्या होगा? टेलीकॉम कंपनियां फिर अपनी मनमानी पर उतर आएगी, ग्राहकों को अपना नंबर बार बार बदलना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ करना होगा, क्योंकि बिना नंबर बदले कंपनी बदलने की सुविधा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP दोस्तों बंद होने जा रही है। दोस्तों, मार्च 2019 के बाद अपनी टेलीकॉम कंपनी बिना नंबर बदले नहीं बदल पाएंगे। दोस्तों, मार्च 2019 के बाद अगर आप नंबर बदलते हैं तो ही दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। अभी के मुताबिक आप MNP कराकर दूसरी कंपनी में नहीं जा सकते हैं। दोस्तों फिलहाल में ये सिस्टम अच्छी तरह काम कर रहा है, पर मार्च 2019 के बाद ये सुविधा पूरी तरह से बंद हो जाएगी। दोस्तों, क्यों बंद होगी MNP सर्विस? दोस्तों, इकोनॉमिक्स टाइम की खबर के मुताबिक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का काम करने वाली दो कंपनियाँ हैं। पहली है दोस्तों MNP इंटरकनेक्शन टेलीकॉम सॉल्यूशंस, और दूसरी है दोस्तों सिनवर्स टेक्नोलॉजी। ये दोनों ही कंपनी दोस्तों घाटे में चल रही है। कंपनियों ने टेलीकॉम विभाग DOT को दोस्तों चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है। कंपनियों का कहना है कि जनवरी के बाद पोर्टिंग फीस में दोस्तों 80% की कटौती से उन्हें रोजाना घाटों का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों, हम आपको बता दें, कंपनी का ये कहना है कि मार्च 2019 में इन कंपनियों के लाइसेंस की अवधि भी खत्म हो रही है, ऐसे में ये कंपनी अपने लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराएगी और ये अपनी सुविधा बंद कर देगी। दोस्तों, इससे सबसे बड़ा नुकसान ग्राहकों को होगा। दोस्तों, कंपनी के सर्विस बंद करने का नुकसान ग्राहकों को होगा। खराब कॉल क्वालिटी, बिलिंग संबंधी मसलों और टैरिफ की वजह से सर्विस प्रोवाइडर को बदलना आसान नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में इसका कोई विकल्प नहीं होगा। हालांकि टेलीकॉम विभाग का कहना है कि अगर कंपनी अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं कराती है तो उनकी जगह दूसरा रिप्लेसमेंट ढूंढा जाएगा। दूसरी कंपनी को लाइसेंस देकर MNP सर्विस जारी रखी जा सकती है। तो लाइसेंस सरेंडर करेगी कंपनियां। दक्षिणी और पूर्वी भारत में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का काम देखने वाली MNP इंटर कनेक्शन का कहना है कि वे अपना लाइसेंस सरेंडर करेगी। लाइसेंस सरेंडर करने के बाद कामकाज बंद कर दिया जाएगा। उत्तर और पश्चिम भारत का काम देखने वाली सिनिवर्स टेक को जबरदस्त घाटा हुआ है। दोस्तों, आपको पता होगा जनवरी में दोस्तों चार्ज घटाया था, जिनसे इनको ज़्यादा नुकसान हुआ है। दोस्तों, जनवरी 2018 में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का चार्ज ₹19 से घटाकर ₹4 कर दिया था, जिसके बाद से कंपनियों को नंबर पोर्टेबिलिटी की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। इन कंपनियों की आय का स्रोत सिर्फ यही चार्ज है। 2017 में रिलायंस जियो की टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री के बाद मासिक आधार पर MNP की रिक्वेस्ट में 4 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दोस्तों, MNP क्यों बढ़ी है? दोस्तों, कुछ कंपनियां आपको पता होगा, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशंस, टाटा टेली सर्विसेज, एयरसेल और टेलीनोर इंडिया के बंद होने से इनके ग्राहकों को MNP के जरिए अपना सर्विस प्रोवाइडर बदलना था। टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारतीय एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन के लिए अपने ग्राहकों को रोकने और नए ग्राहक बनाना मुश्किल हुआ। ऐसे में इन कंपनियों ने टेरिफ में कटौती और आकर्षक ऑफर निकालकर लुभाने की कोशिश की है। साथ ही MNP प्रोसेस को काफ़ी आसान बनाया है, जिससे ग्राहक आसानी से सर्विस प्रोवाइडर को स्विच कर सके। तो दोस्तों, ये कुछ रीज़न थे जिसके कारण अब MNP सुविधा मार्च 2019 में बंद होने वाली है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने स्मार्ट केशव ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ।